पवित्र धार्मिक नगरी अजमेर में आए, हेरिटेज सिटी है, कैसा महसूस किया आपने यहाँ पर? बस ये मतलब अभी आधे घंटे से ऊपर यहाँ हैं हम, हमको कहीं और लगता है, मतलब दिस इज बहुत खुश लग रहा है और हमने बहुत अच्छा दर्शन पाया और बहुत खुशी महसूस हो रही है और यहाँ आके जो भी मन की बात है वो कह के मुझे हल्का लग रही है, ये मुझे महसूस हो रहा है। सर कल राजस्थान टूरिज्म की ओर से कार्यक्रम था पुष्कर में, वहाँ आपका प्रमोशन आज और कल चार दिन लगातार है जी, उसमें क्या आपका उसमें है? जी मैं उसमें भजन गाऊंगा, सूफी गाऊंगा, गज़ल हैं, उसके बाद फिल्म के गाने हैं, बॉलीवुड फिल्म्स के गाने हैं, तो ऐसा कुछ 90 मिनट का या 2 घंटे का प्रोग्राम। सर बाबा की शान में कुछ 2 शब्द आप यहाँ आपकी आवाज़ में गुनगुना दे तो याद रहे। मुझे एक सूफी गाना याद है वो गुना, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, रंगीले तू तो साहेब मोरा, महबूब इलाही है, मोहे अपने ही रंग में रंग दे। क्या क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। आप ये बताइए सर, अब तक कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नई फिल्म जिसमें आपका गाना आ रहा हो जिसके लिए दुआ मांगी हो खास, या कोई गजल हो? यही मांगना है कि मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बेटा है, बहू है, उनका जो भी उनके मन में हो, उनका काम कामयाब हो, इनके मन में जो हो, बेटे के मन में, मेरे दूसरा लड़का है वो भी काम कर रहा है, सब बस सबके लिए दुआ मांगा मैंने, मेरे बीवी के लिए, सबके लिए, और सारे सब आप सभी मेरे मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये मेरे ग्रुप मेंबर है, ये मेरे फैमिली हैं, सारे जो लोग हैं यहाँ मेरे साथ जो आए हैं, सबके लिए मांगा हूँ मैं। और यही भी ये मांगता हूँ कि दुनिया में खुशी रहे, पीसफुल रहे। क्या बात है, बोलो सच में, अमन रहे। सर ये बताएं कि पुराने गानों में और अभी के नए गानों में क्या अंतर आया, किस तरीके से लोग सुनने को, उनके जो रैप वगैरह चल रहे हैं क्या फ़र्क है इन गानों में, बताइए सर। देखिए जैसे सोसाइटी बदलता है वैसे गाना बजाना भी बदलता है, जो आर्ट है इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी पहला है उसके लिए आर्ट बनता है, आर्ट बनने से सोसाइटी नहीं होता है। तो जैसे चेंज होता है हमारा जो उठना बैठना, देखा अपना हमारा लिबास देखिए ना आप, देखिए कुछ फंकी कुछ पहने हैं आप, जीन्स पहने हैं आप, टोपी पहने हैं, एडिडास के टोपी पहने हैं, रिबॉक के पहने हैं, तो ये यही जो चेंज है आप में है वही गानों में नज़र आती है, तो ये तो चलता रहेगा। मगर मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी कहें करें सलीके से करें और सुर में कहें। सर युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका, युवाओं के लिए संदेश है, काफ़ी अरसा आपने बॉलीवुड में। युवाओं के लिए यही कहूँगा कि आप मन को शांत रखिएगा, अपने जिस्म को संभालिएगा, वर्जिश कीजिएगा, हेल्थ को रखिएगा और काम कीजिएगा, मन लगाकर काम कीजिएगा, पहले उससे पहले सीखिएगा काम, उसके बाद मन लगाकर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत ही फल आपको देगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। थैंक यू सर।